बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने बैंक के ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल के जरिए नए ग्राहक जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। हालांकि आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा कि वो अपने मौजूदा ग्राहकों, जिसमें क्रेडिट कार्ड के हर ग्राहक भी शामिल हैं, को सेवाएं देना जारी रख सकता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी जोखिम प्रबंधन और सूचना सुरक्षा प्रशासन में खामियां मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि ये कार्रवाई साल 2022 और 23 के दौरान आरबीआई की ओर से बैंक के आईटी परीक्षण में पाई गई खामियों के आधार पर की गई है। आरबीआई ने कहा कि बैंक परीक्षण के बाद उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं व्यापक और समयबद्ध तरीके से दूर करने में विफल रहा है। आरबीआई के बयान में कहा गया कि बैंक के आईटी इन्वेंटरी प्रबंधन, पैच एंड चेंज मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, डेटा सुरक्षा व डेटा लीक रोकने की रणनीति में कमी दिखी है। केंद्रीय बैंक के अनुसार बैंक की बिजनेस निरंतरता और डिजास्टर रिकवरी के लिए सख्ती व ड्रिल जैसे क्षेत्रों में भी गंभीर खामियां और अनुपालन में कमी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा, लगातार 2 सालों तक बैंक के आईटी जोखिम और सूचना सुरक्षा प्रशासन में कमी का आकलन किया गया। इसके बाद निष्कर्ष निकाला गया कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत जरूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। देश में बड़ी संख्या में लोग कोटक महिंद्रा बैंक की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि रिजर्व बैंक की हालिया कार्रवाई से उन पर क्या असर पड़ेगा। आरबीआई के अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक को अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने व नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि बयान में केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया कि बैंक अपने क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं सहित अपने मौजूदा ग्राहकों को पहले की तरह सेवाएं प्रदान करना जारी रख सकेगा।